अच्छा जैसे हमने कैटेगरीज को डालना सीखा पोस्ट में वैसे ही हम टैग्स को सीखेंगे कि टैग्स को हम कैसे पोस्ट में डाल सकते हैं और दोनों का फ़र्क जानना बहुत जरूरी है बिकॉज़ दोनों का एक डिफरेंट फंक्शन है तो ये जहन में रखिएगा कि कैटेगरी सर्व अ डिफरेंट फंक्शन वायल टैग्स सर्व अ डिफरेंट फंक्शन इनकी हमें क्या ज़रूरत है इनको डालना क्यों ज़रूरी है इनसे हम कैसे अपने कॉन्टेंट को ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ये जहन में रखिएगा इस पर ज़्यादा पढ़िएगा इस पर ज़्यादा रिसर्च कीजिएगा और इस पर ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कीजिएगा टैग्स का जैसे हमने जिक्र किया टैग्स ये लफ्ज आपने सुना होगा या आप इसको ज्यादा से ज्यादा आगे सुनेंगे इट्स जस्ट लाइक नेम टैग जिस तरह आपका एक आई कार्ड इज योर नेम टैग वैसे ही टैग्स आर यूज टू डिफाइन फाइन ट्यून्ड कैटेगरी करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं और पोस्ट को ज्यादा तरह से ऑर्गेनाइज करने में यूज कर सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट वे या सबसे इम्पॉर्टेंट uh, चीज़ जो टैग से रिलेटेड है वो ये है कि ये सर्च इंजेंस को हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि आपका कॉन्टेंट किस चीज़ के बारे में तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पोस्ट करते हैं जो कि है सियालकोट और फुटबॉल और ब्रजुका के बारे में आप इस ब्रजुका क्या है ब्रोजुका इज़ द फुटबॉल दैट सियालकोट प्रोड्यूस फॉर द फीफा वर्ल्ड कप अब अगर आप एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आप ये सारी कैटेगरीज नहीं डाल सकते इसमें कैटेगरी सिर्फ एक होगी विच विल रिलेटेड विच विल बी रिलेटेड टू योर मेन वेबसाइट लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वेबसाइट है पाकिस्तान और ट्रैवल और टूरिज्म के बारे में तो इसमें जो कैटेगरी है वो होगी सियालकोट बट इसमें आप डिफरेंट टैग्स डाल सकते हैं आप रजूका डाल सकते हैं आप फुटबॉल डाल सकते हैं आप ग्लोबल uh, डाल सकते हैं आप सियालकोट भी एज अ टैग डाल सकते हैं सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट बिटवीन टैग्स एंड द डिफरेंट बिटवीन कैटेगरीज ये जहन में रखिएगा इसको प्लीज़ याद रखिएगा इन केस यू फोगेट कि टैग्स आपको सिर्फ नज़र आएंगे पोस्ट पे और जो कैटेगरीज भी हैं वो आपको सिर्फ नज़र आएंगी पोस्ट पे पेजेस पे टैग्स और कैटेगरीज का कोई काम नहीं है लेकिन अगर आप कोई एक स्पेसिफिक प्लग यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको यूज़ करते हुए आप टैग्स और कैटगरीज को पोस्ट पर डाल सकते हैं एक और डिफ्रेंशिएटर जो मुझे जहन में आ रहा है जो शायद आपको uh, नज़र भी आए जब आप कोई वेबसाइट्स जाके देखेंगे वो ये कि टैग्स आपको यूजली तौर पे वेबसाइट्स पे सामने नज़र नहीं आएंगे कैटेगरीज आएंगी बट मैनी फ्यू वेबसाइट्स ओनली पुट टैग्स इन द फ्रंट जैसा मैंने कहा कि टैग्स का मकसद है मेरे कॉन्टेंट को ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना सो वी विल गो टू आवर वेबसाइट एंड वी विल सी हाउ वी कैन यूज टैग्स टू मेक द कॉन्टेंट वो ऑर्गेनाइज मैं अपनी वेबसाइट पर लॉग इन करूंगा लॉग इन करने के साथ ही न्यू पोस्ट सो अब मैं पोस्ट क्रिएट करूंगा अपने शहर के बारे में द सिटी दैट आई लव दिटी दैट आई बिलोंग टू एंड दिस सिटी इज द सिटी कॉल्ड इस्लामाबाद विच इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान so is uh, city barami i would like to write ke islamabad is a peaceful and beautiful city or is related map a content like islamabad was founded in the 60s it is a beautiful city it's also the capital of the islamic Republic of Pakistan, and has really good weather and peaceful environment. Or is related my Islamabad. A picture search just to make it more beautiful. So I'll search for a picture of Islamabad and let's see what I find. So I like this picture. But I like this picture more. ये एक मेट्रो की पिक्चर उठा लेते हैं जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है और इसको हम सेव करते हैं याद रखिएगा ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ इमेज मे बी सब्जेक्ट टू कापी राइट यहाँ पे लिखा हुआ भी है तो इट्स इंपॉर्टेंट टू सी कि कौन से इमेजेस हैं जिन पर कॉपी राइट अप्लाई होता है तो मैंने इमेज सेव कर लिया है आई विल सेट दिस फीचर्ड इमेज अपलोड करके और अब आप देख रहे हैं दिस ब्यूटिफुल इमेज हैज़ सेट एज है इमेज ये यहाँ पे नजर भी आ रहा है और मैं इसको सिलेक्ट करूंगा इस्लामाबाद क्योंकि कैटेगरी ऑलरेडी बनी हुई है एंड आई क्लिक दिस पब्लिश जैसे ही मैंने पब्लिश क्लिक किया मैं अपनी वेबसाइट पे गया और मैंने देखा कि इस्लामाबाद की ये ब्यूटिफुल पिक्चर कैटेगरी भी इस्लामाबाद टैग हो गई है कॉन्टेंट भी आ गया फाइन ट्यून नहीं है कॉन्टेंट इफ समबड़ी वॉज टू फाइन और इफ समबडी वाज़ टू कम टू माय वेबसाइट एंड फाइंड कंटेंट थ्रू टैग्स तो वो नहीं सर्च कर सकता सो आई एम गोइंग टू ऐड अ फीचर कॉल्ड टैग्स तो यहाँ पे मैं कुछ टैग्स डालूंगा सो आई कैन सर्च और आई कैन ऐड सिटी और कॉमा से आप टैग्स को सेपरेट कर सकते हैं कॉमा एंड आई कैन ऐड अटैक कॉल ब्यूटिफुल आई कैन एड अटैक कॉल्ड पाकिस्तान और कैपिटल आई कैन ऑल्सो एड ए टैग कॉल्ड इस्लामाबाद इस तरह से आई एडिड डिफरेंट टैग्स और यह टैग्स आपको यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं कि अब एड हो गए इनके साथ एक एक्स का निशान है जिससे अगर मैं कोई टैग रिमूव करना चाहूँ फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल आई कैन जस्ट रिमूव दैम एंड आई कैन जस्ट क्लिक ऑन अपडेट जैसे ही मैंने इस कॉन्टेंट को सेव किया एंड वेन एवर आई गो टू माई वेबसाइट तो नाव यू कैन सी टैग्स है This is a way of using tags to make your content more understandable and easy to navigate. So, this is how content really works using tags, and tags can be used to fine tune content and make your content more searchable.